राम राम दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अपना अमन तिवारी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति सुजुकी की मोस्ट सेलिंग कार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पे मारुति सुजुकी की वैगनआर विथ सीएनजी फिटेड आरएक्स है मॉडल, जिसको हम लोग बेस मॉडल भी कहते हैं। भाई इसके प्राइस के हिसाब से इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स मिल जाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को जरा सा इसके मत करना। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले यहाँ पे भाई इसकी की से। तो भाई की आपको कुछ तरीके से देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बस यहाँ पे बस की देखने को मिल जाती है और भाई सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको दो की देखने को मिलती है। और साथ ही में अगर बात की जाए इसके इंजन में, तो यहाँ पे आपको 1 लीटर वाला सीएनजी इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पे 55 बीएचपी हॉर्स पावर और 82 न्यूटन टॉर्क मीटर आपको यहाँ पे इसमें पावर देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए इसकी फ्रंट साइड की ओवरऑल लुक की, उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते, वो आपको पूरी तरीके से सेम देखने को मिलती है। बेस मॉडल ले लो या टॉप मॉडल, यहाँ पे आपको क्वालिटी में अगर बात की जाए फ्रंट साइड में, तो वो आपको कोई भी यहाँ पे कमी देखने को नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू टॉप मॉडल में। तो साथ ही में चल के देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रंट साइड में, तो फ्रंट साइड में वही आपको यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं और साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट साइड में तो कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर बात की जाए यहाँ पे 2024 वैगनआर में, तो यहाँ पे आपको एक क्रोम की लाइन देखने को मिल जाती है सुजुकी के लोगो में, यहाँ पे ग्रिल में, सेंटर ग्रिल में। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रीमियम फील कराएगी बेस मॉडल में भी। और साथ में अगर बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी फॉग लैंप देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे इस तरीके से इसमें आपको 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी फ्रंट साइड की लुक। अगर आप बात करें इसके साइड प्रोफाइल की लुक, तो यहाँ पे कैसे क्या मिलता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आपको 13 इंचेस के एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में आपको कोई भी वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल वाले आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए तो साइड इंडिकेटर आपको बॉडी पर इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं और ORPM आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जो कि आपको भाई मैनुअली यहाँ पे ओपन करने को मिलता है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से ही देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम डोर हैंडल देखने को नहीं मिलती, न इसमें आपको कोई भी रूफ रेल देखने को नहीं मिलती है। साथ ही में अगर बात की जाए बैक साइड में, तो बैक साइड की अगर बात करी जाए तो बैक साइड में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, ना कि आपको डिस्क ब्रेक। साथ ही में यहाँ पे बात करी जाए तो 6 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है सीएनजी की यहाँ पे आपको। अगर आप बात करते हैं चल के रियर साइड में, तो रियर साइड में आपको कैसे क्या मिलता है, तो रियर साइड का व्यू आपको कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ बैक साइड में आपको इस तरीके से टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो आपको सारी सारी यहाँ पे हेलोजन टेल लाइट देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे भाई आपको क्रोम में वैगनआर का यहाँ पे आपको वर्ड लिखे हुए मिलेंगे और साथ ही में सुजुकी का यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही में बात की जाए तो बैक साइड में यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिलता। साथ ही में अगर बात की जाए तो दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए इसमें एंटीना की, तो इसमें आपको नॉर्मल वाला देखने को मिल जाता है, ना कि आपको साथ में एंटीना देखने को नहीं मिलता। तो ये था कार का एक्सटीरियर। आप चल के देखते हैं भाई इंटीरियर आपको कैसा क्या मिलता है। तो आइए चल के देखते हैं, चल के देखते हैं भाई इंटीरियर में आपको क्या क्या खास मिलता है। तो यहाँ पे जब भी हम इसका डोर ओपन करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपको मैन्युअली यहाँ से की से इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये ओपन है। जिसको हम इसको डोर को ओपन करेंगे, तो ड्राइवर साइड के डोर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको दो यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के आपको पावर विंडो के बटन आपको कंट्रोल देखने को मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो वाटर बॉटल रखने की यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एक आपको स्पीकर बड़ा वाला देखने को मिल जाता है। और अगर साथ ही में बात की जाए इसके इंटीरियर में क्या क्या खास मिलता है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वही सीटें देखने को मिल जाती है पुरानी टाइप वाली। अब चल के देखते हैं भाई इसके इंटीरियर में कैसा क्या है। तो आइए चल के देखते हैं। आ चुके हैं हम कार के अंदर। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सिंपल डिजाइन का देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी ज्यादा खास ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती इसके इंटीरियर में। तो अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डैशबोर्ड से, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज टोटली देखने को मिलने वाला है। साथ ही में अगर बात की जाए इसके इन्फोटेन सिस्टम की, तो यहाँ पे इसमें आपको इंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। साथ ही में बात की जाए इसके स्पीडोमीटर की, तो यहाँ पे वही आपको ओल्ड डिजाइन वाला आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलने वाला है। साथ ही में अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, तो इसमें अगर आपको दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड में, एक आपको को ड्राइवर साथ में। इसमें आपको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाता है, और साथ ही में सेंट्रल लॉकिंग का आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है बेस मॉडल वैगनआर में। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसमें आपको
ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इस तरीके से आपको कन्वर्टेबल फ्यूल टू सीएनजी में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में आप बात करें जाए इसके सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी देखने को मिल जाती है ऑपरेट करने के लिए। साथ ही में इसके नीचे आपको 12 वॉट पावर चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर देखने को मिल जाता है। और साथ ही में बात की जाए तो मैनुअली यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक वाटर वाटर रखने की सेंटर में आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर स्पेस की बात चल रही तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाती है। रियर मिरर आपको मैनुअली एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स में भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये था हमारी फ्रंट साइड का। साथ ही में अगर बात की जाए तो इसको चल के देखते हैं सेकंड रो में आपको कैसा क्या मिलता है। तो आइए चल के देखते हैं। रो की बात करें तो जब भी हम इसका यहाँ पर डोर ओपन करेंगे और डोर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पर आपको विंडो अप डाउन करने के आपको देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पर आपको वाटर वाटर रखने की स्पेस देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा स्पीकर देखने को मिल जाता है। अब साथ ही में अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस आपको कैसे क्या मिलती है, तो जहाँ पर अगर स्पेस वाइज बात की जाए तो यहाँ पर भाई मारुति सुजुकी की कार है, तो भाई स्पेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग मिलती है, यहाँ पे आपको कोई भी आपको रियर एसी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड में कोई भी चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये थी भाई हमारी सेकंड रो। अब चल के देखते हैं भाई बूट स्पेस आपको कैसे क्या मिलती है। तो आइए चल के देखते हैं भाई बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे भाई इसको बूट स्पेस को आप सिर्फ की से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपको इसमें पहले की यहाँ पे लगानी और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे स्पेस की, तो यहाँ पे आपको स्पेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर सीएनजी सिलेंडर हटा दें तो उसके बाद यहाँ पे 341 लीटर की आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। और साथ ही में अगर बात की जाए सीएनजी के साथ में, तो यहाँ पे आपको स्पेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन हाँ, अगर अदरवाइज कार की बात की जाए तो स्पेस आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पर एक आपको बैक साइड में स्पेयर व्हील ही साथ में इसका देखने को मिल जाता है। अगर साथ ही में इसके भाई प्राइस की बात की जाए एक्स शोरूम प्राइस की, तो यहाँ पे इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6,45,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।